वैश्यावृत्ति के लिए कोई भी किसी भी संत महापुरुष ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। सबसे पहले बेटी बनाया तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने वैश्या को अपनी बेटी बनाया, उनकी शादियां करवाई। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पब्लिक सर्वे लगातार आप लोगों को लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सा वडेरा सच्चा सौदा के लिए। 3-4 साल हो गए हैं अब सोसाइटी में गुरुजी उस तरीके से नहीं है जैसे पहले रहते थे, तो अब पब्लिक क्या बताती है आपको दिखाते हैं सीधी रिपोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? निखिल। निखिल सर, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन। सर करंटली क्या कर रहे हो आप? बिजनेसमैन हूँ मैं। सर डेरा सच्चा सौदा को कितने समय से जानते हो आप? ऑलमोस्ट 93 से। सर काफ़ी ईयर्स हो गए। कैसा एनवायरनमेंट लगता है सर आपको आश्रम का? जब से छोटे थे तब से आ रहे हैं तो एनवायरनमेंट अच्छा, तभी आ रहे हैं। फैमिली भी आती है सर? हाँ जी बिल्कुल, 4 पीढ़ियों से हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी, मेरे फादर, मैं, मेरे आगे बेटी है, 4 पीढ़ियाँ हो गई हैं लगातार डेरा सच्चा सौदा में आते हुए। गर्ल्स को लेकर कैसा माहौल है सर? गर्ल्स के लिए अगर हम देखें तो गर्ल्स के लिए शायद इंडिया में इससे ज़्यादा सेफ जगह ना हो कोई और, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। सर पीछे 3 सालों में जाएं हम, 3-3.5 साल पीछे, तो काफ़ी कुछ आश्रम के बारे में, काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में अलग दिखाया गया था जी। न्यूज़ चैनल पे लगातार आए दिन ऐसी न्यूज़ चलती थी। देखिए जो मीडिया है, मीडिया अपनी TRP के लिए या आप किसी भी चीज़ के लिए कह दो, पर आज उसका आप भी देख रहे हैं कि उसका आज भंडाफोड़ हो रहा है मीडिया को। यहाँ तक कि सरकारों ने भी इस टाइम अपने कब्जे में कर लिया है। तो ये जो जहाँ से पैसा मिलेगा तो वो ये चीज़ दिखाएंगे, उनके लिए क्या सही है या क्या गलत है वो चीज़ मायने नहीं रखती। सर जो इतने आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका सर? देखिए आरोप लगाना और आरोप साबित करना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। गुरुजी के केस अभी ट्रायल कोर्ट से निकले हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी बहुत स्टेप पड़े हैं, कहीं ना कहीं हमें जीत ज़रूर मिलेगी। आपको कितनी आस्था है सर उनके ऊपर आज? आस्था है, मैं आपको बताया 28 साल हो गए मुझे डेरा सच्चा सौदा जुड़े हुए। आस्था है तो आज भी डेरा सच्चा सौदा में एज इट इज़ जाते हैं, जैसे गुरुजी यहाँ थे तब जाते थे, एज इट इज़ ही हम अब जा रहे हैं। क्यों सर, गुरुजी ने किया क्या है सोसाइटी के लिए जो आप लोग वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी? गुरुजी ने देखो ऐसे काम किए हैं जो शायद मैं इंडिया की बात कहूँ या पूरे वर्ल्ड की बात कहूँ, वैश्यावृत्ति के लिए कोई भी किसी भी संत महापुरुष ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। सबसे पहले बेटी बनाया तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने वैश्या को अपनी बेटी बनाया, उनकी शादियां करवाई, और जिनकी आगे फैमिलीज हैं अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली हैं और एजुकेटेड लोग, चाहे वो इंडिया में रहते हैं चाहे वो इंडिया से बाहर रहते हैं, आज उनके साथ वो रह रही हैं लड़कियाँ और अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। क्या सर हमारी कंट्री को आगे लेकर जाने के लिए कंट्रीब्यूशन है कोई गुरुजी का? देखिए सफाई अभियान की अगर मैं बात करूं तो सफाई अभियान सबसे पहले शुरू हुआ वो किसने किया? डेरा सच्चा सौदा ने। अगर ये सफाई अभियान, अगर दिल्ली की बात करें, डेंगू के मरीज में बहुत ज़्यादा बदलाव आया आफ्टर जो सफाई अभियान जब गुरुजी ने चलाया उसके बाद, मतलब मैं कहता हूँ कि सिर्फ 20% जो है वो डेंगू के मरीज़ इस टाइम आते हैं दिल्ली के अंदर, जो पहले 100% हुआ करते थे। सर जब हमारी कंट्री का नाम आता है तो सबसे पहले एक देश के जो नौजवान हैं, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जी, उनका एक सबसे पहले नाम आता होता है, तो उनके लिए भी कोई गुरुजी का रोल रहा है सर? मिलिट्री के लिए ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा एक गुरुजी ने तोहफा दिया है, क्योंकि जिस लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं आप देख ही सकते हैं, ऑनलाइन भी इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो मतलब ब्लड डोनेशन में जो आर्मी को बहुत बड़ी सौगात है गुरुजी की तरफ से। सर अब 3-4 सालों से अब वो सोसाइटी में नहीं है, तो अब क्या इम्पैक्ट लगता है आपको सोसाइटी के ऊपर? जो मानवता भलाई के कार्यों की रफ्तार है वो कम हो चुकी है,
और जो बुराइयां हैं वो दोबारा पनप रही हैं। अगर वो यहाँ होंगे तो कैंपेन चलाते हैं या कहीं जगह जगह जाकर लोगों को समझाते हैं, तो उस चीज़ का बहुत फैक्ट है। क्या आपको लगता है आज भी सोसाइटी को नीड है ऐसे संत की? आज भी नहीं कह सकते, आज बहुत ज़्यादा नीड है, आज बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, तो इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी आत्मिक शांति, जिसके पास विल पावर होगी, वो चीज़, वो इंसान इन बुराइयों से बचा रहेगा। और वो विल पावर के लिए ही गुरुजी ने बीड़ा उठाया था। गुरुजी जहाँ भी जाते थे सत्संग, और जो नाम देते हैं तो वो नाम इसीलिए देते हैं कि विल पावर बढ़ सके गुरु मंत्र से। क्या सर आप सामाजिक हमारे सोसाइटी के लोगों से अपील करोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरु जी को जाना, एक अलग छवि है हमारे देश की बेटियों के माइंड में लगा लीजिए क्योंकि मीडिया में बहुत अलग दिखाया गया था, आप क्या उन लोगों से अवेयरनेस करोगे अपनी वीडियो के द्वारा? देखिए, जो लोग पहले, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ प्रक्रम 2017 में, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो मीडिया को सच मानने लग गए थे, पर आज वही लोग जो हैं, हम पब्लिक में जाते हैं, मिलते हैं, तो वो सब मीडिया को गालियां निकालते हैं, और सभी यही कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है या किसी भी तरह का कोई रीज़न हो सकता है जो, मतलब गुरुजी आज वहाँ बैठे हैं। जी, क्या अपील करोगे सर गवर्नमेंट से आप गुरुजी के लिए? गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे हम कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी से जल्दी हो, और गुरुजी जल्दी ही हमारे बीच में आए, समाज में आए, और अब मानवता भलाई के कार्यों में हम रफ्तार ला सकें। क्या चेंजेस लगता है होंगे सर आपको सोसाइटी में अगर गुरुजी वापस आ जाते हैं? देखिए, जो मतलब मेरा मानना है, वो चेंजेस तो बहुत अच्छे लेवल पे होंगे अगर गुरुजी अब वापस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो चुका है इस चीज़ को, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, 3 साल के लगभग हो चुका है, तो चेंजेस तो बहुत ज़रूर होंगे और बहुत जल्दी होंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, अब आम जनता का भी मानना है कि इस समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिकित्सा की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम लगातार पब्लिक सर्वे आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने हजारों लोगों ने बोला है कि समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिकित्सा सोसाइटी में नहीं है, और आम जनता भी आज इस देश से सरकार से मांग कर रही है कि उनको जल्द से जल्द समाज में वापस आना चाहिए। आप लोग भी खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।